कि भारत की हर जाति मत मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है और संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाता है। कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए, भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बनाकर के दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और उपबंद होंगे, इन सभी बातों को समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था वह दायित्व तो दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग भारत की जनता के अनुरूप न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया
कभी आप देखेंगे 10 वैल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वह डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और मैं हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वे डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की स्वाधीनता के अमृत काल में हम भारत के संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं। और अमृत महोत्सव वर्ष भारत के संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां पे केवल नागरिक अधिकार की ही बात नहीं होनी है, बल्कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रयास से, जिनके दूरदर्शिता के कारण आज हम संविधान सभा का दिवस के इस आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले पूरे देशवासियों को कहा था, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक के बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखें। और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति मत मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। याद रखना, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले उन तमाम देशों में महिलाओं को मताधिकार की शक्ति भारत से बाद में प्राप्त हुई।
और अब तो भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके आने वाले समय में विधायिका में जाने वाला सदस्य एक तिहाई अब केवल पंचायती नहीं बल्कि महिला सदस्य भी संसद और विधानसभाओं में चुन करके आने वाले समय में परिसीमन के बाद जाएंगे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर दिया। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है और संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाता है। और इसीलिए न्याय, समता और बंधुता, इसकी मूल भावों को लेकर के अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा होगा किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं, यह अपनी उस तानाशाही फांसीवादी मानसिकता के तहत काम करने वाले लोग हैं और जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग इससे पहले 1976 रहा हो, 1975 रहा हो या फिर भारत के बाहर जाकर के भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सामाजिक रूप से दलित अति पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं आज किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है और याद करना इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं।